स्थिर ग्लोबल मार्केट, कच्चे तेल में कमजोरी और अच्छे मॉनसून का अनुमान, क्या ये तीनों फैक्टर मिलकर भारतीय बाजारों को लगातार 90 दिन मजबूत रख पाएंगे? अगर सुस्त और कमजोर शुरुआत हो तो क्या वहीं खरीदारी करनी चाहिए? लेंगे इसका जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। तो आज इन सब ट्रिगर्स की बदौलत देखते हैं मार्केट कितना तेज होता है। लेकिन एक चीज तो तय है अनिल जी, कि मार्केट के पास अब ट्रिगर की कमी नहीं है। और हो ऐसा रहा है कि पहले बुरे ट्रिगर्स पे अच्छा मूव दे रहा था, अब तो अच्छे ट्रिगर्स की बारी है। आज कच्चा तेल, मॉनसून की रिपोर्ट, यही दो बहुत है बाजार को चलाने के लिए। तो चार बड़े ट्रिगर्स से शुरुआत करते हैं और जानेंगे आज सबसे ज्यादा बाजार रिएक्शन किस पे देगा, किस चीज के हिसाब से आपको आज ट्रेड बनाने हैं, आज बाजार का चलने वाला सौदा कौन सा, स्वाद क्या है बाजार का, ये समझेंगे। सीरिया को लेकर तनाव कम हुआ है, ये एक अहम खबर जो कि ग्लोबल मार्केट से है। कच्चा तेल भी ग्लोबल मार्केट से ही जोड़ा जाएगा, जहां पे 3% की फिसलाहट हुई है, ये सीरिया का कनेक्शन है। इसके बाद भारतीय बाजारों पर अगर आएंगे तो जीएसटी को लेकर सरकार और सरल और नवीनीकरण के साथ काम कर रही है, और साथ ही इस साल मौसम अच्छा रहने वाला है, बारिश अच्छी होगी, आईएमडी ने भी मोहर लगा दी, सरकारी गैर सरकारी दोनों रिपोर्ट कहती है इस बार सामान्य मॉनसून होगा। लेकिन अनिल जी, चार ट्रिगर है, इन चारों में से सबसे अहम कौन सा है? देखिए, ये चारों विंडो जो आपके सामने दिख रही है ना, इसमें से एकदम राइट वाली, मेरे राइट में जो जीएसटी की, वो हटा दीजिए, उससे मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ मूड ठीक करने वाला हो सकता है। पहली भी हटा दीजिए जो सीरिया में तनाव कम करने वाली है, क्योंकि वो कमोबेश बाजार को पता था कल की रिकवरी में वही हुआ। अब बीच की दो घंटों पे आ जाइए, कच्चे तेल की कमी और मॉनसून का अनुमान। मॉनसून का अनुमान कमोबेश लाइन पर है, लेकिन फिर भी दोनों की तरफ से आईएमडी और स्काईमेट की तरफ से मोहर लगना, ये थोड़ा पॉजिटिव है। तो कल के सेंटिमेंट को थोड़ा और सुधारने के लिए ये काम करेगा। लेकिन दूसरा पॉजिटिव है जो अनएक्सपेक्टेड है, सीरिया का तनाव घटने के बावजूद हमने सोचा नहीं था कि क्रूड इतना तेजी से नीचे आएगा। तो कच्चे तेल में जो कमी आई है, भाव में कमी आई है, वो थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा पॉजिटिव मॉनसून का अनुमान, ये दोनों मिलकर बाजार में जोश भरने वाले हैं। तो ऐसे में मैं तो ये सोच रहा था डिम्पी थोड़ी देर पहले कि सेंसेक्स निफ्टी 25-30 पॉइंट नीचे दिख रहा था, मैंने कहा वाह क्या बढ़िया मौका, जहाँ खुले वहीं खरीदने का मौका होगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स खासतौर से निचले स्तरों से जिस तरह से हांगकांग रिकवर हुआ है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत गैप से आप नीचे खुलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करें आज की रणनीति की। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं इस बाजार के अंदर ट्रिगर्स, तो आपको पता ही है दो ट्रिगर के साथ हम चल रहे हैं। लेकिन आप ग्लोबल मार्केट्स को जोड़ते हुए जरा मार्केट के मेरे को स्ट्रेटजी बताइए कि आज रणनीति क्या हो। 7 दिन की तेजी है, 10,500 के ऊपर की क्लोजिंग है, 8 दिन की तेजी मिला के कल का मिला के 8 और 10,500 के ऊपर की क्लोजिंग और बैंक निफ्टी का भी चलना है, तो इन सबको देखते हुए क्या है रणनीति आज? मतलब ये देखिए, ये ड्रीम रन है। हाँ, सही कह रहे हैं। अप्रैल में किसने सोचा था मार्च को देखने के बाद कि हम लगातार 9 दिन भी तेज हो सकते हैं, लगातार 8 दिन भी तेज हो सकते हैं। और सभी ने कहा ये कंसोलिडेशन का समय है। एग्जैक्टली, ये ऐसे ट्रिगर हैं, अभी चुनावी साल है, अर्निंग्स अभी आई नहीं, आपके पास थोड़ा गैप रहने वाला है, मार्च का बुरा फेस है, आप उसी को कवर करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। देखिए, यही बाजार की सबसे बड़ी खूबसूरती और खासियत है, तमाम पॉजिटिव के बीच में वो किस तरह से नेगेटिव रिएक्शन देता है, तमाम नेगेटिव जब सोचे आप तो किस तरह से पॉजिटिव रिएक्शन देता है। क्योंकि बाजार को अगर घिरना होता, तेजी पर ब्रेक लगना होता, तो कल का दिन सबसे बेहतरीन था। अगर कल ऐसा नहीं हुआ तो कल का सेशन सबसे बड़ी बात है कि बाजार की ताकत दिखाता है। अब बाजार एक ही वजह से गिर सकता है, अगर गिरना है तो वो वजह ये होगी कि जो हमें पता नहीं है, अचानक से कुछ ऐसी चीज आ जाए जो हमें पता नहीं है, तो ही बाजार गिर सकता है, अदरवाइज बाजार गिरेगा नहीं। क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ काफी बाजार में दिख रही है, और सबसे बड़ी बात कि आप खराब संकेतों पर गैप से खुले, जहां खुले वहां से पीछे मुड़के ना देखें, धीमे धीमे ऊपर आते दिखें, और दिन के सबसे उच्चतम स्तरों पर जाकर अगर आप बंद हो तो इससे बढ़िया बाजार हो नहीं सकता। तो कल के सेशन में, पिछले 8 सेशन में सबसे बेहतरीन सेशन में कल का मानता हूं, जिस तरह की तेजी हुई उसको देखते हुए अगर किसी भी तरह से सुस्त या कमजोर शुरुआत का मौका बने तो तुरंत खरीदारी करनी चाहिए। और खरीदारी करने के लिए शायद बढ़िया रेंज जो है वो 10,475 से 10,500 की होती है। लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको, 10,500 आज का निर्णायक लेवल है, जो वायदा कारोबार के आंकड़ों में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। 10,500 के ऊपर आप बने हुए हैं तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, भले ही 25-30 पॉइंट कमजोर हो जाएं, ये मानकर चलें कि आप तेजी में कॉन्फिडेंस बनाए रखें 10,500 के ऊपर जब तक हैं। और वही लेवल है बैंक निफ्टी पर 25,200 का। 100-125 पॉइंट नीचे भी आ जाए तब भी डरने की जरूरत नहीं, आप बैंक निफ्टी पर कमजोर नहीं है जब तक आप 25,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब आइए रेंज आज की दे दूं, 10,475 माफ कीजिएगा, ये है 125 पॉइंट की रेंज। थोड़ी सी बड़ी रेंज दी है मैंने आज के सेशन में, क्योंकि कल के उतार चढ़ाव को देखते हुए, कल जिस तरह से रिकवरी हुई, थोड़ा सा मैं चाहता था 10,475 भी कर सकता था, लेकिन सेफर साइड पर 10,450 का लेवल दिया है।
बैंक निफ्टी पर 25,050 से लेकर 25,500 ये रेंज नजर आ रही है मुझे आज के लिए। 10,400-10,450 बाजार पर बेहद बेहद मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आता हुआ दिख रहा है और ये लेवल, ये रेंज, ये जोन आसानी से टूटेगा नहीं, ये भरोसा कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। अब आइए ऊपर की तरफ, 10,575-10,600 वो रेंज है, यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 9वां दिन होगा अगर आज हम लगातार हरे निशान में बंद होते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि हर रोज बाजार ऊपर ही रहे, कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग करें और फिर इंतजार करें निचले स्तरों पर खरीदारी करने का। आपके लिए स्टॉप लॉस क्या है वो समझना जरूरी है तेजी के बाजार में, ताकि आपको तेजी करने का आनंद आए। क्लोजिंग बेसिस पर दो लेवल नोट कर लीजिए, 10,450 अगर इसके नीचे बंद हो आप तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है, और बैंक निफ्टी पर 25,200। बढ़िया बात यह कि बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस बहुत ऊपर की तरफ आया है, जो मेरा 25,075 का स्टॉप लॉस था, अगर आप बहुत सेफ रहना चाहते हैं बैंक निफ्टी पर तो 25,075 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, अदरवाइज कम रिस्क वालों के लिए 25,200 स्टॉप लॉस बनता है। कल भी देखिए रिकवरी में बैंक निफ्टी ने पहले लीड किया, और सबसे बढ़िया बात बाजार की वो होती है जब जिस सेक्टर को आप कमजोर मानते हैं, भरोसा कम होता है, अगर वो रिकवरी को लीड करे तो इसका मतलब जरूर खरीदारी होती दिख रही है। और इसी तरह से निफ्टी पर जो क्लोजिंग स्टॉप लॉस है वो 10,450 का है। अब आज के लिए स्ट्रेटेजी 10,475-10,500 ये वो रेंज है जहां पर आपको निफ्टी में करनी चाहिए खरीदारी। ऊपर का टारगेट आप रखिएगा 10,575 का, 10,550 और 10,575 का, और आपका स्टॉप लॉस होगा 10,450 का। शॉर्ट भी करना है ऊपर की तरफ, 10,575 के आसपास या इसके ऊपर मिले तो शॉर्ट कर लीजिए, और शॉर्ट करके आपको स्टॉप लॉस रखना है 10,600 का। नीचे की तरफ 10,525-50 पॉइंट के लिए इससे ज़्यादा की कमजोरी दिखती नहीं है, इतना मिल जाए बहुत है, शॉर्ट कवर कर लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी पर खरीदिए, मौका मिले 25,200 के आसपास तो बेस्ट लेवल है खरीदारी करने का। आई डोंट नो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मिले तो वहाँ पर खरीदना चाहिए। 25,050 आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद टारगेट 25,400-25,500 के बनते हैं। नीचे के और शॉर्ट करना है तो 25,450 के आसपास शॉर्ट करें। एक्चुअली 25,400-25,500 शॉर्ट रेंज बनकर आती है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसीलिए बीचों बीच में दे दिया कि 25,450 के आसपास या इसके ऊपर बेचें, 25,550 का स्टॉप लॉस होगा, 100 पॉइंट ऊपर लगा लीजिए, और नीचे की तरफ 25,350-25,250 यहां पर आपको अपनी शॉर्ट कवर करनी चाहिए। पुट कॉल रेशियो 1.66 पर है, विक्स नीचे की तरफ है, हैं ऐसे लेवल जहां पर नजर रखनी है, अलर्ट रहना है, लेकिन अलार्मिंग लेवल नहीं है। अलर्ट होने में, अलार्म आने में, दोनों में जागते रहने में और खतरे में जो फर्क है वो समझ लीजिए। तो आपको जागते रहना है, खतरा नहीं। पॉजिटिव्स काफी दिख रहे हैं आज सेक्टर्स के लिहाज से। आईटी शेयर खासतौर से टीसीएस का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है आईटी शेयर टीसीएस के नतीजों तक टूटेंगे नहीं। इन्फोसिस जितना घटना था घटा नहीं, तो आईटी में स्ट्रेंथ दिख रही है। मेटल खासतौर से एल्यूमिनियम वाले शेयरों में, हिंडालको टाइप के शेयरों में अभी भी मुझे लगता है तेजी बन सकती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अच्छे मानसून के दम पर, खबरों के दम पर दौड़ लगा सकते हैं। ओएमसी ये एक आज इंटरेस्टिंग होगा, हो सकता है कच्चे तेल की कमजोरी थोड़ा सा इन्हें बढ़ने की कोशिश करे, और हो सकता है थोड़े रुपए में रिकवरी आती हुई दिखे। तो अगर ये दो फैक्टर होते तो ओएमसी इस पर नजर रखें। मैं बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन वहां नजर बनाए हुए हूं, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस रखें। ठीक है, तो ये रणनीति अब आपके सामने, इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी की रणनीति प्लस आज के सेक्टोरियल मूव भी है। अब आते हैं एफआईएसडीआई, इनके आंकड़े देख कर तो ऐसा लग रहा है एक छोटे से ब्रोकिंग हाउसेस के आंकड़े हैं। आजकल तो ऐसा ही होता है, अगर आप छोटी सी ब्रांच के आंकड़े पूछेंगे ना तो इतना ट्रेड तो वो भी कर लेते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली आंकड़े नेट नेट कम है डिम्पी, खरीदारी बिकवाली तो है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको समझना भी जरूरी है कि क्यों 300 करोड़ का बेचा है, क्यों घरेलू फंड ने 30 करोड़ का बेचा है। तो आंकड़े बड़े नहीं है, लेकिन अगर आप बाय और सेल के फिगर देखेंगे तो वो रीजनेबली ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इन लेवल के आसपास पोर्टफोलियो चर्निंग हो रही है, आप खरीद भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, तो आंकड़े आपको नेट नेट ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ ऐसे शेयर हैं जो बेच कर निकल रहे हैं, हो सकता है आईटी को जगह मिल रही हो आपके पोर्टफोलियो में, हो सकता है एफएमसीजी को जगह मिल रही हो सकता है फार्मा को जगह मिल रही हो जहां खरीदारी दिख रही है, हो सकता है थोड़े बैंक आ रहे हो तो सामने सामने कुछ और बेचा जा रहा है, ऑयल एंड गैस हो सकता है थोड़ी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग या हल्के हो रहे हो। तो एफआईज और डीआईज के आंकड़ों में बहुत संकेत पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक संकेत साफ पढ़ना है और वो ये कि इन आंकड़ों के दम पर एक बात मानकर चलिए, बाजार में सेक्टर रोटेशन होगा। तो आपको पकड़ना यह है कि कौन सा सेक्टर आज और कल में फ्लेवर में आने वाला है, या तो आज का पकड़ लें या एक दिन बाद का पकड़ लें, कि जिसमें जैसे कल आपने कैसे बार बार पूछा फार्मा, और कल देखिए फार्मा में कितनी बढ़िया तेजी बनी, राइट? तो ये जो पल्स है ना,
पकड़ने की कि कौन सा सेक्टर भागने वाला है, ये की है बाजार में पैसा बनाने के लिए। और ये देखना जरूरी है क्योंकि जो आंकड़े जब छोटे होते हैं तो आपको डायरेक्शनल कॉल लेने के बजाय सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना बहुत जरूरी है, ये इसमें दिखा है। ठीक है, अच्छा वैसे आप जो चर्निंग की बात बोल रहे हैं, आपका अपना सेंस, अपनी रीडिंग क्या कह रही है कि कौन से सेक्टर को ज्यादा पुश मिल रहा है या पुश मिल सकता है? आईटी टीसीएस के रिजल्ट के पहले अब खराब नहीं होगा। ठीक है क्योंकि अगर खराब होना होता तो कल होता था। इसका मतलब क्लियर कट है, या तो मार्केट ये मान कर चल रहा है कि टीसीएस के रिजल्ट बहुत मजबूत आएंगे, या दूसरी चीज ये मान कर चल रहा है कि ये जो इन्फोसिस की समस्या थी खाली इन्फोसिस की है। तो पहली स्ट्रेंथ तो वो है। दूसरा, मेटल में एल्यूमिनियम वगैरह के प्राइसेस जो फर्म अप है, हर लेवल पर नीचे से खरीदारी आ रही है, तो वो एक बहुत मजबूत नजर आता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सेक्टर जरूर ध्यान में रखना चाहिए, भले आप डायरेक्टली इसको मॉनसून से रिलेट ना करें। ये पहले स्काईमेट की रिपोर्ट चल चुका है, अभी और चलेगा, और चल सकता है। हाँ एक, हाँ ये अच्छा सवाल है, हो सकता है डिम्पी कि आज के सेशन में मॉनसून से जुड़े हुए स्टॉक फर्स्ट हाफ में आपको मजबूती दिखाए, सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आनी भी चाहिए, तो आपको गैप से खुले तो नहीं लेना है। क्यों? दो रीजन है, एक तो ये कि ये पहला अनुमान है, ऐसा नहीं कि ये बारिश हो गई है, ये बारिश का अनुमान ही है, पहला अनुमान है, आगे और अनुमान आएंगे। लेकिन रात की बात हमारे लिए क्या है कि चलिए पहली बार में ऐसा नहीं लग रहा, डरने की बात नहीं। सबसे बढ़िया बात क्या लगी कल के, और हम जब विस्तार में आगे देखेंगे, सूखा नहीं पड़ेगा। बारिश कहीं कम हो कहीं ज्यादा हो चल जाएगा, सूखा नहीं चाहिए, वो बड़ी समस्या होती है। तो उस लिहाज से सब तरफ बारिश होगी, ठीक ठाक सी होगी, एवरेज होगी, लगातार तीसरा साल ऐसा होगा, तो उस इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भले ऊपर में आ जाए लेकिन जगह अभी भी है। आज आपने ऑयल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, आपको ऑयल मार्केटिंग के रनअप पे ट्रस्ट नहीं है या कच्चा तेल जो नीचे आ गया उस पे ट्रस्ट नहीं है? दोनों पे ट्रस्ट नहीं है, दोनों पे ट्रस्ट नहीं है। एक्चुअली अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कच्चा तेल बहुत तेजी से गिरेगा। गिर के क्या हो जाएगा, नाइमेक्स कितना हो जाएगा, ब्रेंड कितना हो जाएगा आपका, 65-66, इससे नीचे तो जाने वाला नहीं है, बिल्कुल इससे। अब बढ़ के कितना हो जाएगा, जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि सऊदी अरामको के इशू के पहले क्या 70-80 हो सकता है, 78-80 हो सकता है, पता नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए 71-72 के आसपास जो क्रूड का लेवल है ना ब्रेंड का, वो लेवल ऐसा है कि जहां पर अटकना तो भी यही सही लेवल है, और यहां से बढ़कर ब्रेकआउट हुआ तो $4-5-6 बढ़ना आसान है। इसलिए ये थोड़ा मेक और ब्रेक वाला है। ओएमसी में मैं भरोसा क्यों कर रहा हूँ, जो कल मैंने बात की एक बार फिर दोहरा, तीनों ओएमसी स्टॉक एचपी बीपी आईओसी अब निफ्टी का हिस्सा है। तो अगर ETF की यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में या इंडेक्स फंड में फंड्स की खरीदारी आती है, जो कि पैसा आ रहा है, ये पैसिव मनी है। बाजार में बिना सोचे समझे लोग जो इंडेक्स में पैसा लगाते हैं कि हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, खाली इंडेक्स फंड में पैसा लगा दिया हमारा काम हो गया, वो पैसा इन शेयरों को ज्यादा गिरने नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा भी नहीं कि बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे, भाव बढ़ने नहीं पा रहे, लेकिन क्या गिरेंगे वो भी नहीं है। ठीक है, पैसे का सपोर्ट है लेकिन हाँ आंकड़े ये ठीक नहीं है इनके लिए। लेकिन एक और चीज़ है अनिल जी, कल हमने 10,500 के ऊपर क्लोजिंग दी, ये सपोर्ट की क्लोजिंग भी थी और फ्यूचर की क्लोजिंग तो खैर हमको मिली गई साथ में। अब क्या 10,700 लक्ष्य है, ये कॉल क्या कह रही है, क्योंकि इस कॉल में थोड़ा एक्टिवनेस देखने को मिल रहा है, और प्लस ये 10,400 का बेस अब कितना पक्का हो चुका है, ये F&O के डाटा से समझाया जा रहा है। 10,400 तो बहुत पक्का रॉक बॉटम है, बिल्कुल सॉलिड एकदम, मतलब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये डेटा से नहीं होगा। 10,400 टूटेगा खबर से टूटेगा, डेटा से नहीं टूट सकता, और ये गैप अप के गैप डाउन से ही होगा, जब भी होगा। हाँ, ऐसे तोड़ना मुश्किल है। हाँ, मतलब बहुत मुश्किल है कि आप डेटा से तोड़ दें, नहीं, डेटा बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि 53 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 10,400 के पुट में, और 55 लाख शेयरों का है 10,300 के पुट में, तो आप मान सकते हैं दोनों ही लगभग बराबर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के मामले में है। तो 10,400 खबर से ही टूट सकता है, जो किसी को पता नहीं हो, ऐसी खबर सीरिया वीरिया टाइप की खबर, ये सबको पता है। क्रूड भी यहाँ से अगर $2 बढ़ गया तब भी 10,400 नहीं टूटेगा, $3 बढ़ गया तो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि सबको पता है क्रूड ऊपर जाना है। तो जो सबको पता है उससे 10,400 नहीं टूटेगा, तो जो नहीं पता उसका क्यों टेंशन लेना, जो पता है जो डेटा है उस पर फोकस करें। तो इसका मतलब मान लें कि 10,400 के नीचे क्लोज होना इतना आसान नहीं है, और जब तक वो ना हो तब तक पोजिशनल ट्रेडर्स को अपना स्टॉप लॉस वहाँ बनाकर रखना है। 10,500 ये आज का निर्णायक लेवल क्यों है ये समझ लें। 10,500 के पुट पर है लगभग 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, और इसमें कल जुड़े हैं 8 लाख शेयर और परसों जुड़े हैं 13 लाख शेयर, यानी कि कम से कम ये देखिए ना 13 और 8 21 22 लाख शेयर तो दो ही सेशन में जुड़े हैं।
10,500 के नीचे जैसे आप ट्रेड करेंगे, तेजी करने वाले ट्रेडर्स को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, हालांकि कम होगी, कल की रिकवरी के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन 10,500 इसीलिए निर्णायक लेवल है। जब तक आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 25-30 पॉइंट कमजोर भी हो जाए, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं कि आप कमजोर हैं। कमजोरी का पहला संकेत 10,500 के नीचे आएगा, दूसरा संकेत 10,450 के नीचे आता है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन 10,500 निर्णायक लेवल इसलिए भी है कि 10,500 के ऊपर आप टिके रहेंगे तो मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी थोड़ा घबराएंगे। क्यों घबराएंगे? क्योंकि 10,500 के कॉल ऑप्शन में अब भी 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो पुट से ज्यादा कॉल्स में वहां पर 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो ऐसे में अगर आप 10,500 के ऊपर टिके रहे तो ये जो कमजोर शॉर्ट्स हैं, जिन लोगों ने 10,500 के नीचे शॉर्ट्स बनाई है, उन्हें अब कहीं ना कहीं कवर करने आना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा जैसे आप 10,500 के नजदीक पहुंचेंगे ना, आपको पहले शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, तो जिन लोगों ने कॉल्स बेचे हैं वो आकर अपनी पोजीशन खरीदने की कोशिश करेंगे। अब क्या हम 10,600 की तरफ बढ़ रहे हैं या 10,700 की तरफ बढ़ रहे हैं? बढ़ तो ऐसे वायदा कारोबार के आंकड़ों के मुताबिक डिम्पे 10,700 की तरफ। 10,600 छोटी सी रुकावट है, क्योंकि वहां पर 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,600 से शिफ्ट होकर 10,700 पर चला गया, 44 लाख शेयरों का। तो इवेंचुअली बाजार इस सीरीज में ऊपर का टारगेट देख रहा है 10,700, नीचे का रॉक सपोर्ट देख रहा है 10,300, और इसके बीच में 10,400 से 10,600 की आपके ट्रेडिंग रेंज डेटा में निकल कर आई है। अब आइए बैंक निफ्टी। क्यों बैंक निफ्टी 25,200 निर्णायक लेवल है? क्योंकि पुट में लगभग 3 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर बना हुआ है, तो पहला सपोर्ट और पहला निर्णायक लेवल का काम वही करता है। बैंक निफ्टी के लिए 25,000 रॉक बॉटम सपोर्ट दिख रहा है, 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, उसमें से कल तो 3 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, जो हाईएस्ट एडिशन कहीं एक जगह हुआ है। तो 25,000 के नीचे बैंक निफ्टी आसानी से जाएगा नहीं, ये एकदम कॉन्फिडेंस रखिए, और उस लिहाज से आपको 25,200 के आसपास मौका ढूंढना चाहिए। ऊपर कितना जाएंगे? 25,400 और 25,500 के कॉल ऑप्शन में बैंक निफ्टी में 3 लाख और 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो 25,500 के ऊपर कूदना थोड़ा मुश्किल काम है, एकदम आसानी से नहीं कूद पाएंगे, रुकना है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखानी है। और नेचुरली देखिए 23,500 से 25,500 2,000 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली, सही बात है, थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग कहीं आएगी, आनी भी चाहिए, लगातार नवा सेशन है। तो आज के सेशन में रिस्क क्या है? रिस्क एक ही है कि एशिया अगर कमजोर हो जाए और लगातार 8-9 दिनों के बाद कहीं कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी है, तो वही रिस्क है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ स्टूडियो में, हमारे साथ बैठे हैं राकेश बंसल, अविनाश गोरक्षकर हैं मुंबई से, और किरण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से। आप सबका स्वागत है। शुरुआत बंसल साहब, बेहतरीन पिक्स के साथ, धमाकेदार, कुछ बढ़िया हो जाए एकदम। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, सारी बाय कॉल है, जैसे कल आपने मेंशन करा था कि अभी तक की 450 पॉइंट की जो रैली रही है वो वीक बोल रहा है, वीक रैली रही है, और मेरा ऐसा मानना है अब ये वीक रैली स्ट्रांग रैली में कन्वर्ट होगी। एक तो अनिल जी कल 10,500 का लेवल तोड़ा है हमने, और हम देखें तो जब इस सीरीज की शुरुआत करी थी तो 10,500 एक ऑप्शन बैरियर था, और जब जब ऑप्शन बैरियर टूटे हैं पिछले साल डेढ़ साल के अंदर, एक बड़ा अपमूव देखने को मिला है। दूसरा अनिल जी, यूएस मार्केट्स के अंदर मुझे लगता है आज के सत्र में डाउ जोन्स 450 से 500 पॉइंट बढ़ना चाहिए, टेक्निकली वहां ब्रेकआउट अनिल जी देखने को मिला आज रात को, आज बढ़ना चाहिए। एक मिनट, डाउ फ्यूचर, ओ डाउ फ्यूचर बताइए भाई जल्दी जल्दी से। 47 पॉइंट्स हैं, ओके। एक बात बताइए बंसल जी, रुकिए, पिक छोड़िए आप तो एक बार, हमारे यहाँ भी तो डाउ फ्यूचर्स लिस्टेड है, ठीक है, हमारे यहाँ भी हम डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड कर ही सकते हैं ना, तो अगर 50 पॉइंट ऊपर मिले डाउ फ्यूचर, ये सब छोड़िए निफ्टी बैंक स्टॉक, तुरंत हमारे यहाँ डाउ फ्यूचर खरीद लेके आ सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, बट अरे लिक्विडिटी अपने कौन सा घर भर के खरीदना है, लोड दो लोड खरीदने वाले हैं हमारे दर्शक, ज्यादा थोड़ी खरीदेंगे, इतना तो मिल जाएगा ना अनिल जी। एक तो ये चीज पॉजिटिव है, दूसरा जिन लेवल पर नाइमेक्स क्रूड चल रहा है, अगर यहाँ से $2 नाइमेक्स क्रूड गिरता है तो डेफिनेटली एक बुल ट्रैप वहां देखने को मिलेगा, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकते हैं, तो क्लियरली तेजी का रुझान रखना चाहिए। और पूरी मार्केट को अनिल जी कल वायदा बाजार को स्कैन करा तो सिर्फ एकमात्र काउंटर शॉर्ट सेल पे आता है, वो है आरकॉम, बट वो एफएनओ के वायदा बाजार के बैन के अंदर है, उसको टच नहीं कर सकते। तो एक चीज बता दो हमारे दर्शकों को, देखिए मौका कोई भी छूटेगा नहीं जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो आपको पिक्स चाहिए निफ्टी पर चाहिए, निफ्टी सब छोड़ दिए, क्रूड और डाउ में भी अगर कोई कमाई का मौका है तो बंसल जी बताने वाले। अब बताइए अपनी पिक सर। अनिल जी, पहला एक बाय कॉल जैन इरिगेशन पर रहेगा, कल मेट के फोरकास्ट आया है और जैन इरिगेशन ने कल एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाया है, और साथ साथ एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखाया है। 109.70 का स्टॉप लॉस, 125 का लक्ष्य है। दूसरा सेंचुरी टेक्सटाइल, काफी समय बाद स्टॉक करेक्शन से बाहर निकला है, 1187.80 का एक स्टॉप लॉस, 1290 के लक्ष्य के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल को खरीदें। थर्ड बाय कॉल गोदरेज प्रॉपर्टीज, कैश सेगमेंट से टेक्निकली लग रहा है एक बॉटम लगा रहा है, 710 के अराउंड, 709.80 का एक स्टॉप लॉस, 760 का लक्ष्य। बाटा काफी अच्छा लग रहा है, एक
चार दिन की ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, 760 का स्टॉप लॉस, 815 का टारगेट, एंड लास्ट एक बाय कॉल टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर, काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान, 270 का स्टॉप लॉस, 295 का लक्ष्य। ये ना जब तक है ना सेंचुरी टेक्सटाइल और बाटा, इन दो शेयरों में बाय कॉल ना आए तब तक मुझे तेजी वाली फीलिंग ही नहीं आती है। मैं बोलने वाला था कि जब तक ये शेयर, ये सारे के सारे शेयर वो हैं जो ब्रोकिंग हाउसेस में इक्का दुक्का जरूर बात होती रही है, बाटा होगा तेरे पास पक्का, देखियो बाटा में चलेगा जरूर। तो ये ना बिल्कुल वो ट्रेडर वाली मानसिकता बताता है कि हाँ। अच्छा एक और चीज है, लगता है बंसल जी ने पूरी डेरिवेटिव शीट को बड़ी क्लोजली कर ट्रैक किया, कह रहे हैं एक ही शॉर्ट कॉल है ये पूरा का पूरा। देखिए सारे के सारे वादा के इसमें भी है, इसमें कोई कैश का शेयर नहीं है, सबके अवेलेबल फ्यूचर्स भी हैं। बाटा हो गया, टाटा ग्लोबल हो गया, टाटा ग्लोबल खाली प्रॉपर्टी आप भी ट्रैक करते हैं, और एक गोदरेज प्रॉपर्टीज है जो उस पर आप ध्यान रख सकते हैं कैश के पड़ोसी से, अदरवाइज ठीक है। खैर खबर वाले शेयर भी आपका इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार भी खत्म करते हैं। रजत आप हो जाइए शुरू, बताइए खबरों वाले शेयर जी। पहले तो बजाज इलेक्ट्रिकल आर एस पे खास ध्यान रखें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 3578 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिल गया कंपनी को। ये भी बताना चाहूंगा कि जो कुल आय है पूरे फिस्कल की वो लगभग 4500 करोड़ का है, तो एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है। गांवों में और शहरी इलाकों में बिजलीकरण को लेकर ये ऑर्डर मिला है, आज असर देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि ईपीएस में एक तगड़ा इजाफा बजाज इलेक्ट्रिकल के एक्सपेक्टेड है, इस स्टॉक पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा शोभा लिमिटेड, इसलिए क्योंकि गिफ्ट सिटी में कंपनी ने निवेश करने की योजना बनाई है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां पर, जिसमें 500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं और 1000 यूनिट्स जो है वो डेवलप करेंगे, खासतौर से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में शोभा लिमिटेड पे फोकस होगा। साथ साथ रैम की इंफ्रा एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहां पर खबर यह है कि श्रीनगर हाईवे के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंपनी को मिल गया है, एनएचएएस से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। यह प्रोजेक्ट जो है 27 मार्च को ओपन हो चुका है, यानी कि अब एनवीटी जिसको बोलते हैं नियमित आय जो है वो कंपनी को अब मिलना शुरू हो जाएगी, एक अच्छा इजाफा रैम के पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर न्यूज़ फ्लो के आधार पर खरीदते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली प्लेस करना होगा। फोर्टिस सुर्खियों में है फिर से, वो इसलिए क्योंकि 19 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक है और इस बोर्ड बैठक में आईएचएच, मणिपाल, हीरो, बर्बन के ऑफर को लेकर फैसला संभव है। अच्छा ये भी खबरें आ रही हैं इसमें सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है कि आईएचएच होस्टाइल टेक ओवर करता हुआ नजर आए, ऑफर नहीं मानते अगर फोर्टिस वाले, तो उस सूरत में एक होस्टाइल टेक ओवर की बात भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं फोर्टिस पे खास नजर रखनी होगी। और जय भारत मारुति इतने इनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं लग रहे हैं क्योंकि मुनाफा जो 24% घटा है, 18 करोड़ की फिगर कंपनी ने रिपोर्ट की है, आय में गिरावट देखने को मिली 1%। हाँ ठीक है मार्जिन पिक्चर और एबिट्टा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी के नतीजे ठीक है, लेकिन टैक्स पे आउट थोड़ा ज्यादा हुआ उसकी वजह से मुनाफा घटा है कंपनी का। ओके तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज रहेंगे खबरों के दम पर एक्शन में। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे हमारे साथ संदीप ग्रोवर। संदीप के पास है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स। आज जिस तरह से मौसम का पूर्वानुमान आया है उसको देखते हुए कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स रहेंगे एक्शन में, कहाँ आपके लिए खरीदारी के मौके हैं? अच्छा एक बार फिर से मुझे जरा स्टॉक बताइए, मैं नोट नहीं कर पाया। सीएलएसए वाले आईटीसी, इमामी, एमएनएम, ओके, कंज्यूमर और रैमको सीमेंट। गोदरेज कंज्यूमर और रैमको सीमेंट, ये पांच शेयर सीएलएसए को पसंद है। ओके ठीक है, इन पांचों शेयर्स पे भी थोड़ा सा इनमें टेक्निकल व्यू भी चेक करवा लेते हैं एक बार। किरण यादव भी हमारे साथ, किरण एक बार पांच चार्ट वो देखेंगे, टाइम लगेगा, एक देख लेते हैं। हाँ, तब तक क्या करते हैं कि हम बाकी रिपोर्ट ले लेते हैं। अच्छा, किरण बाकी इन ये चारों पांचों में आप अपना एक चार्ट तैयार रखिएगा, क्या पसंद है, आईटीसी, इमामी, एमएनएम, गोदरेज कंज्यूमर और रैमको सीमेंट। तब तक संदीप आप अपनी दूसरी रिपोर्ट कंप्लीट कर लीजिए। एंजल बैंकिंग की एक रिपोर्ट आई है पराग मिल्क को लेके, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 333 रुपए का टारगेट प्राइस है, मौजूदा भाव से देखिए 33% अपसाइड आएगा। वो कह रहे हैं कि ऊंचे मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पे कंपनी फोकस करे जिससे उनको फायदा मिलेगा। प्रताप स्नैक्स, इसके ऊपर आईएफएल की एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1720 का टारगेट प्राइस है, 21% अपसाइड यहाँ पे भी है। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनका जो पकड़ है वो मजबूत हो रही है, इससे इस कंपनी को भी फायदा देखने को मिलेगा। एनटीपीसी, यहाँ पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, लक्ष्य यहाँ पे दे रहे हैं वो 190 रुपए का। इसके अलावा एलएनटी फाइनेंस, जिसने हाल फिलहाल फंड रेजिंग करी है, इस पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, उन्हें खरीदारी करने की सलाह दी है, 240 रुपए का टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पूंजी जुटाने के बाद इनकी जो ग्रोथ है उसमें अब ये इजाफा देखने को मिलेगा जिससे इस कंपनी को फायदा देखने को मिलेगा। वैसे भी जो वैल्यूएशन है इन लेवल्स पे आकर्षक है। एमएनएम की बात मैंने पहले करी है, सीएलएसए, इनफैक्ट मैं ये रिपोर्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ, खरीदारी की सलाह बरकरार है, टारगेट प्राइस इंक्रीज किया गया है, 910 रुपए का लक्ष्य था, इसके लिए जो टारगेट प्राइस वो बढ़ाकर 960 रुपए किया गया है। और जो मॉनसून की बातचीत की जा रही है एमएनएम, इसको सबसे ज्यादा फायदा इसका होता हुआ दिखेगा। आखिर में नेस्ले पर एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने रेटिंग को कम किया है, 22 से घटाकर आउट परफॉर्म किया है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 8950 से बढ़ाकर 9750 रुपए किया है। एक महीने में अगर आप देखिए 13% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली, जो कि अमूमन नहीं देखने को मिलता है। जो तेजी आई है हाल फिलहाल उसके बाद सीएलएसए ने रेटिंग है वो डाउनग्रेड करी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसे बढ़ा दिया है, 9750 कर दिया।
लगता है सीएलएसए कुछ ज्यादा ही बुलिश है इस बार मॉनसून को लेकर, क्योंकि रिपोर्ट में 5-5 शेयर, उसके बाद नेस्ले, एमएनएम, ये भी उसी मॉनसून से कनेक्टेड वाले शेयर्स हैं। खैर, नेस्ले का तो डेरिवेटिव पोजीशंस भी काफी अच्छे हैं, इसमें डिलीवरी का बेस भी अनिल जी काफी स्ट्रांग है। हमने कल इसका डिलीवरी डाटा भी चेक किया था, 82% की डिलीवरी होल्डिंग अभी भी खड़ी है इसके अंदर, कैश के अंदर। तो डेरिवेटिव पोजीशंस भी ठीक है, कल बिल्डअप भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, डे हाई पे क्लोजिंग भी है, आज रिपोर्ट भी है। किरण, आपने वो सारे शेयर्स देख लिए होंगे जो कि सीएलएसए की रिपोर्ट में थे आज, जिसमें इमामी था, एमएनएम था, इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर, रेमको सीमेंट था, कोई एक चार्ट जो आपको बहुत पसंद हो? मैं दो चार्ट पे बात करना चाहूंगा। पहला होगा रेमको सीमेंट, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, पॉजिटिव डायवर्जेंस है। सारे सीमेंट कंपनीज के चार्ट देखते तो और इसके देखते तो काफी बड़ी पॉजिटिव डायवर्जेंस देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि रेमको सीमेंट बाय करके चलना चाहिए, पर ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग होगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 800 के करीब और टारगेट 4 डिजिट के देखने को मिलेंगे अगर 4 से 6 महीने का व्यू लेते हैं तो। दूसरा रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। इधर ही ऑटो स्टॉक्स में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और उसी के साथ जो पिछला बैरियर था करीबन 770 का, वो इसने कल क्रॉस किया है बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा मानना है कि इधर भी काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। 740 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये भी स्टॉक अगर 4 महीने रखते हैं तो कैजुअली 4 डिजिट फिगर में देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये है स्टॉक्स जहां पर आज दिख सकता है एक्शन। और आईएमडी की भी बात कर लें, मौसम का जो अनुमान आया है वो भी समझ लें कि किस तरह का अनुमान रहा है, और उसके बाद हमको अविनाश से उनकी पिक्स भी लेनी। तो पहले पिक्स ले लें एक बार, या पहले अनुमान देख लें? पहले एक बार अनुमान देख लेते हैं, उसको फिर करेक्ट करके उनसे पिक्स ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश सामान्य रहेगी और लगातार तीसरा साल है, और उनके अपने पहले पूर्वानुमान में उन्होंने ये कहा कि इस साल औसतन 97% बारिश रहनी चाहिए, और उनके विभाग के अनुमान के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में मॉनसून केरल पहुंच जाएगा, जो जनरली पहुंचता है, तो लगभग टाइम से पहुंच जाएगा। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने हैं केजे रमेश साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल है आईएमडी यानी कि मौसम विभाग के। आइए करते हैं उनसे बातचीत। सर, सबसे पहले तो ये बताइए सामान्य मॉनसून, क्योंकि जो लोग समझते हैं सामान्य मतलब 100% बारिश होगी, क्या सामान्य मानसून का यही मतलब है? सामान्य मानसून का मतलब पहले दर्शकों को बता दीजिए। सामान्य मानसून जो है 96% से 104% की रेनफॉल जो 4 महीने में होने का पूरा संभावना है, उसी के बीच में, उसी के दौरान 96% से 104% के बीच में 97% प्लस माइनस 5% रहने का आकलन अभी किया गया है। इसकी सेकंड असेसमेंट आएगी जून में, उसकी जो एरर बार जो कम होगी 4% होगी, एंड वहाँ जो है विभिन्न भागों में किस तरह रहेगा उसका भी हम असेसमेंट देंगे। ठीक है, आप ये कहते नहीं कि सामान्य मॉनसून रहेगा, लेकिन सर ये बताइए मॉनसून लेट तो नहीं हो जाएगा, ये समय पर ही आ रहा है, इसमें कोई देरी के चांसेस तो नहीं है? वो जो है मिडिल ऑफ मई में उसकी फोरकास्ट हम देते हैं। सामान्यतः इसका ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होता है, जून फर्स्ट के चार दिन आगे पीछे ही नॉर्मली मानसून 98% ऑफ द केसेस में आता है, और रेयरली ज़्यादा से 4 दिन से ज़्यादा डिफरेंस होता है। बट इन एनी केस इस साल कब आएगा केरल में, कब दस्तक देगा, ये जो है हम मिडिल ऑफ मई में उसकी फोरकास्ट दे देंगे। अच्छा रमेश साहब, ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है ना कि सब जगह सेम बारिश नहीं होती, तो किन राज्यों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है, कहाँ कम बारिश हो सकती है? देखिए बाकी डिटेल्स तो सेकंड अपडेट में आएगा, अभी तक का जो स्थिति है, इंडिया जो है लगातार तीसरी साल बढ़िया मानसून एग्रीकल्चर के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से रहने का पूरा पूरा संभावना है। जैसा 2016-2017 मानसून रहे देश के लिए, उसी तरह 2018 भी रहने का पूरा पूरा संभावना है। ठीक है, शायद इनकी रिपोर्ट एक बार वापस होगी, उसके बाद से कुछ होगा। अच्छा रमेश जी, एक और चीज़ बताइए, ये सूखा पड़ने के चांसेस कितने हैं? स्काईमेट तो कह रहा है कि नहीं है, आप भी इसको पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं ना कि सूखा नहीं पड़ने वाला इस बार देश में? सूखा मतलब से कि हर साल जो है हर मानसून में 15% से 20% की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्सपीरियंस करते ही है, बट
विद इन दैट सीजनल क्वांटम जो है जितना मिलना है उतना मिलने से रिजर्वायर लेवल्स बढ़िया रहता है, मॉइस्चर जो है साइल में ठीक रहता है, उसकी वजह से रेनफेड एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ हमारा जो पल्सस है, ऑयल सीड्स है, सीरियल्स है, इसकी जो इसकी जो कल्टिवेशन होता है वहाँ तो बहुत बढ़िया रही 2016 और 2017 में, सो उसी तरह 2018 भी रहने का पूरा उम्मीद है। अच्छा सर, ये बताइए कि मॉनसून का हर महीने महीने के हिसाब से देखें तो किस तरह से रहेगा, कौन से महीने में बारिश ज़्यादा होगी, कौन से में कम होगी, ये बताइए। वो जो है सेकंड अपडेट में हम देंगे मंथली प्रिडिक्शंस, एंड उसके साथ साथ हर 15 दिन में हफ्ते में एक बार अगला 15 दिन मानसून के हिसाब से कहाँ ज़्यादा रहेगा कहाँ कम रहेगा इसका भी हम आकलन देते हैं। क्लाइमेट सर्विसेज हमने स्टार्ट किया है कपल्ड मॉडल चालू करने के बाद, ये सब जो है सीजनली जहाँ जल्दी आएगा जहाँ मानसून एडवांसमेंट डिले होगी ये सब डिटेल ड्यूरिंग द मानसून सीजन 4 महीने के दौरान बहुत ज़्यादा अपडेट्स देने का इंतजाम कर रखा है। नए नए मॉडल्स हम चला रहे हैं, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए देने का पूरा परफेक्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए और सीधा लाइव हमसे बातचीत करने के लिए रमेश साहब। तो उन्होंने साफ संकेत दिए कि अभी फिलहाल कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं जिससे आप डरे घबराएं, समय समय पर अपडेट आते रहेंगे कि किस तरह से मानसून पूरे देश में कैसे फैलेगा, किस किस वक्त ज़्यादा बारिश होगी, किस वक्त कम बारिश होगी, लेकिन मानसून के बाद अब शेयर खरीदने का वक्त आया है। बिल्कुल, यही तो मौका है मानसून से मुनाफे का, तो अविनाश जी से पूछ ले। बिल्कुल अविनाश जी, ये मानसून से मुनाफे वाला जो सेगमेंट है पूरा का पूरा जो कनेक्टेड है, इसमें जरा मेरे को अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बताइए, ये हमको मुनाफा कमाना ही है और इस बार का सावन ऐसे नहीं जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मुझे लग रहा है कि मानसून का फोरकास्ट आईएमडी और स्काईमेट का सुनने के बाद डेफिनेटली मार्केट्स में जो रूरल ओरिएंटेड स्टॉक्स है उसमें एक अच्छी तेजी जरूर देखने को मिलेगी। पहला स्टॉक जो हमको पसंद है जो बहुत शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म में खरीदा जा सकता है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका एग्री मॉडल है प्लस ट्रैक्टर सेल्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा बूस्टर रहेगा क्योंकि रूरल स्पेंडिंग गवर्नमेंट की ऑलरेडी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो करीबन 6 से 12 महीने का व्यू अगर हम ले तो 950-950 का टारगेट डेफिनेटली पॉसिबल है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में जरूर निवेश करने का एक मौका है, शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक अच्छी तरह से चले। दूसरा स्टॉक रहेगा दीवान हाउसिंग। हमको लग रहा है कि सारे हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर्स को जो Tier 2, Tier 3 सिटीज में ऑपरेट करते हैं वहाँ को उनको रूरल डिमांड हाउसिंग फाइनेंस का डेफिनेटली हाउसिंग को लेकर काफ़ी अच्छी तरह से तेजी में बढ़ेगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग में और अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा पुश दिया है तो यहाँ पे भी निवेश का एक मौका है। स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है लेकिन अगर साल भर का नजरिया ले तो ये एक अच्छा मानसून पिक हो सकता है, यहाँ पे टारगेट रहेगा 650। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टारगेट 650 का रहेगा। एक तो दीवान हाउसिंग है, M&M भी है लिस्ट में अविनाश जी की जिसपे वो कह रहे हैं कि अच्छी खरीदारी यहाँ पे हो सकती है, तो मुनाफे का मानसून इस बार आपको M&M से और दीवान हाउसिंग से मिल जाएगा, 950 रुपए तक का टारगेट है। और एक और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि उनका ट्रेड कहाँ पे छुपा है और उनसे एक बार ये रणनीति लेना होगा हमको। विश्वेश चौहान, विश्वेश चौहान है हमारे साथ। विश्वेश, आप बताएंगे आपकी पिक्स क्या है? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन में DHFL दीवान हाउसिंग जो भी अविनाश भी बता रहे थे कल के दिन में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ पड़ा था और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग थी तो मेरे हिसाब से काफ़ी जोर से शॉर्ट कवरिंग हुई थी। सो अगर इसको खरीदा जाए तो 560 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। टारगेट पहला हो सकता है वो 600 रुपये तक का हो सकता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 5-7% अपसाइड। दूसरी जो पिक है वो भी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ही है, कल के दिन में भी डेटा वही इंडिकेट कर रहा था। इंडिया सीमेंट 148 के स्टॉप लॉस से खरीदे, मेरा मानना है 160 तक का टारगेट हो सकता है इंडिया सीमेंट। ओके, इंडिया सीमेंट खरीदें, DHFL खरीदें, ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो आप तेजी के मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। हाँ। बस लिस्ट वैसी बनती दिख रही है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रही है। राकेश जी ने सेंचुरी बाटा बताकर मन खुश कर दिया। अब आइए किरण जी से भी पूछ लेते, किरण जी भी ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन पिक्स देते। किरण जी आपकी लिस्ट बताइए फटाफट। जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा टाटा केमिकल। कल डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बहुत अच्छा था, उसी के साथ हमने अच्छी ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखी करीबन 13% और एक रेंज के बाहर निकलता नजर आया, तो मेरा मानना है 730 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलना चाहिए। 755 के आज के टारगेट्स और अगर एक हफ्ता देते तो 800 के करीब हम जाते हुए देखेंगे इस स्टॉक को।
दूसरा रहेगा डीवीज लैब। कल फार्मा स्टॉक सारे चल रहे थे और ये आउट परफॉर्मर काउंटर रहा है और रहने की उम्मीद है। स्टॉप लॉस रहेगा 1158 का और टारगेट्स के लिए 1220 के लेवल्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। तीसरा होगा टाटा ग्लोबल। ये एक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न दिखाता नजर आ रहा है। टेक्निकल बहुत अच्छा सेटअप है और स्टॉप लॉस 275 के साथ लॉन्ग पोजीशंस लेने चाहिए। टारगेट्स के लिए 295 के लेवल्स आज ही देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, टाटा ग्लोबल, टाटा केमिकल्स का, टाटा के तो दो शेयर तो आ ही गए हैं अलग अलग इंडस्ट्री से, लेकिन दोनों ही ट्रेडिंग है और दोनों इस बार मॉनसून से थोड़ा कनेक्टेड वाले शेयर्स भी हैं। टाटा केमिकल कल तो आपको याद होगा अनिल जी, कल हमने नोटिस किया था। हाँ, कल क्लोजिंग में बात कर रहे थे टाटा केमिकल। बिल्कुल, एक बार इंट्राडे चार्ट आप दिखा सकते हैं कल की क्लोजिंग का, आपको पता लगेगा टाटा केमिकल हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। राइट, ये देखिए 3 बजे बाद जब हमारा कवरेज शुरू हुआ तो उसके बाद स्टॉक में क्या बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। एक फंडामेंटल राय लें क्या? ले लीजिए देर काम में शुभ काम में देरी क्यों? अविनाश जी बताइए, लगाइए मोहर, खरीदा जाए? नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि टाटा केमिकल्स ये नॉट ओनली केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करता है बट इनका एग्री फोकस अनिल जी काफ़ी स्ट्रांग है और हमको लग रहा है जिस प्रकार का इनका पोजीशनिंग पल्सेस और एग्री प्रोडक्ट्स में इन्होंने पोजीशन किया है, अच्छे मानसून का डेफिनेटली इम्पैक्ट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंपनी पे जरूर पड़ेगा। इन्होंने अपने काफ़ी नॉन कोर एसेट्स बेच भी दिए तो इसका इम्पैक्ट आपको FY19 के फाइनेंशियल्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। हमारे हिसाब से कम साल सवा साल का अगर टाइमलाइन है तो ये करीबन 950,000 का टारगेट प्राइस यू नो पॉसिबल रखता है। ठीक है, 950,000 रुपए तक के टारगेट आ रहे हैं टाटा केमिकल्स पे, चलता बहुत शानदार और कई दिनों तक चलता रहता है, इस शेयर की एक खूबसूरती भी है। तो आज जगह चलना शुरू हो रहा है तो शुरुआती गाड़ी में बैठ जाएगा टाटा केमिकल्स की। खैर, और ट्रेडिंग कॉल्स भी है, रजत ने काफी बातचीत की है ट्रेडर्स के साथ, एनालिसिस के साथ, और आपके सामने ट्रेडिंग कॉल्स उतारे हैं रजत, जरा बताए। जी बिल्कुल, 4 ब्रोकिंग हाउसेस की कॉल है। पहले IDBI कैपिटल NRB बियरिंग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, ये 180 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदें, 168 ये एक स्टॉप लॉस आपको NRB बियरिंग पे लगाना होगा। साथ ही साथ GNA एक्सेल्स एक और स्टॉक जहां पर तेजी की सलाह है, 576 का टारगेट है और 541 ये एक स्टॉप लॉस आपको GNA एक्सेल्स पे लगाकर चलना है। एक्सेस सिक्योरिटीज मानता है टाइम टेक्नो इस स्टॉक में अभी तेजी और बढ़ सकती है, 190 से 193 का टारगेट रखिए और 175 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। अच्छा, माई एंट्री पे भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, बोल रहे हैं निचले स्तरों से एक रिकवरी यहां पर अब देखने को मिल सकती है, 890 का टारगेट है और 856 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। वे टू वेल्थ आज जैन इरिगेशन पे खरीदने की सलाह इनकी है, 123 का टारगेट है और 113 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। और सीमेंस इनकी पिक है जिसमें 1110 के टारगेट के लिए खरीदें, 1062 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आनंद राठी की भी जो खरीदारी की सलाह है, दो स्टॉक्स पे, एक है इंडिया सीमेंट, दूसरा है नेटको फार्मा। इंडिया सीमेंट 158 का टारगेट दे रहे हैं, 147 का स्टॉप लॉस, और नेटको फार्मा में 820 का टारगेट है और 770 का स्टॉप लॉस नेटको फार्मा पे लगाना होगा। तो ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर रिपोर्ट्स आ रही है और खरीदारी की राय हो रही है। डिम्पी, मैं बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, ये जो मेरा सुबह सुबह ये पेपर रहता ना जिसमें सारे जगह ही नहीं बची, इतने सारे शेयरों में खबरें हैं, इतने शेयर, इतनी सारी रिपोर्ट्स है, इतनी सारी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन जिसमें अभी तो बाकी है हमारे कई एक्सपर्ट्स की, तो मतलब मार्केट में पूरा एक्शन हो चुका है, मतलब एकदम जबरदस्त लोग फॉर्म में आ गए। और जैसा बंसल जी भी कह रहे थे कि अब वो है ना तेजी वाला कॉन्फिडेंस जो चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्यों बंसल साहब? बिल्कुल अनिल, तेजी वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे आपने मेंशन कर आपका पेपर भर चुका है, मैंने भी अपनी आधी लिस्ट शेयर करी है, आधी लिस्ट मार्केट खुलने के बाद। अरे ऐसी हालत है, मतलब पूरा खाली पड़ा रहता था, खाली जो एनालिसिस वाला साइड वाला पार्ट है ना वो भरता था, डेटा तो हर रोज रहते ही, भले कैसे भी रहो, न्यूज वाली चीजें होती नहीं थी। अब देखिए न्यूज वाली, अभी तो मानसून का पूरा नहीं हुआ जी, अब तो पहला इंजेक्शन पहला डोज लगा। अच्छा आज, हाँ बता दें हमारे दर्शकों को, मानसून का जो अनुमान आने के बाद हम कुछ आपको बेहतरीन पिक्स देने वाले हैं, अविनाश जी ने दे दी। बाजार खुलने के बाद आपके एक और चहेते संदीप जैन साहब जुड़ने वाले, वो अच्छी पिक्स देंगे। 10 बजे मेहरबून ईरानी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, उन सब पर करेंगे बातचीत। लेकिन आइए कुछ और शेयरों पर करते हैं फोकस, और अब लेते हैं राय मेटल्स पर, एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर, हिंडाल्को नेल्को 2011 के बाद सबसे उच्चतम स्तरों पर पहुंच चुका है एल्यूमिनियम का दाम LME यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज में। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले बताया कि 10.5% और 11.5% नेल्को और हिंडाल्को ने दाम बढ़ाए हैं। अब देखिए LME पे अब रिपोर्ट आ रही, हम आपको पहली 4 दिन पहले 3 दिन पहले बता चुके हैं। आइए विश्वेश से जानते हैं, खरीदा जाए नेल्को हिंडाल्को, बताएं विश्वेश।
जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से अनिल जी लास्ट जब से ये एलएमई में एल्यूमिनियम की शॉर्ट सप्लाई की बात है, उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि हिंडालको में जो शॉर्ट टर्म बॉटम था वहां से जो ओआई एडिशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जहां तक नालको की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि नालको में भी सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व किया है, प्राइजेस बढ़ रही है और ओआई उसके साथ में बढ़ रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजिशन अक्यूमुलेट हुई है। सो अगर हिंडालको की पहले बात करते तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको याद हो तो अगले प्रीवियस वीक ऑन द सेम शो हमने बात की थी 227 के स्टॉप से खरीदा जाए 240 का टारगेट, तो मेरे हिसाब से कल के सेशन में हो गया था। अभी मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो तीन दिन का लो है 233, जब तक वो नहीं टूटता तब तक हिंडालको 250 तक मार्च कर सकता है। और जहां तक नालको की बात है, मेरा ऐसा मानना है नालको में मोमेंटम कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म टॉप जैसा बना रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो काफी नजदीक है। सो 79 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट होगा नालको में, और अगर 79 निकलता है तो अनिल जी अगला टारगेट 89 का निकल के आ रहा है, तो अगर 79 ब्रेकआउट होता है तो 75 के स्टॉप लॉस से 90 रुपीज के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह होगी नालको। बात करते हैं 40 की, 19 अप्रैल यानी कि परसों के लिए 48 घंटे डिम्पी ने बताई दी आपको गिन के, 48 घंटे में 40 के भाग्य का फैसला हो सकता है, बेहद इंटरेस्टिंग फैसला हो सकता है, क्योंकि अब जहां पहले ऐसा लग रहा था कि इस हॉस्पिटल में कोई जाना नहीं चाहता, और अब ऐसा हाल है कि हर आदमी, हर इन्वेस्टर जाना चाहता है। दवानी जी पहले जा चुके हैं, खरीद चुके हैं स्टेक, उसके बाद अब देखिए बर्मन साहब, मुंजाल साहब, IHH, कौन कौन, मणिपाल, लाइन लगाकर इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहते हैं। 19 अप्रैल की बैठक में ये पता चल जाएगा कि ये जाएगा किसके पास, और क्या कुछ हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब बता दूं कि प्रमोटर की मर्जी ना हो लेकिन उसके बावजूद कोई इन्वेस्टर आके ये बोले कि नहीं मैं खरीदूंगा आपकी कंपनी, जो पैसा लेना है ले लीजिए, वो भी हो सकता है, इसकी भी संभावना दिख रही है, जो सिंगापुर की कंपनी IHH है उसके बारे में, मलेशिया की। तो चलिए, इंटरेस्टिंग हो चुकी है ये कंपनी, और ऐसे में 148 रुपए पे खरीदा जाए क्या? अविनाश जी दीजिए जवाब। नहीं बिल्कुल अनिल जी, मुझे लग रहा है कि हॉस्टाइल टेकओवर होगा तो डेफिनेटली जो वैल्यूएशन मिलेगी वो डेफिनेटली ऊपरी लेवल पे ही मिलनी चाहिए। हमने देखा है कि मणिपाल ग्रुप ने पहला जो ऑफर दिया था उसको वापस रिवाइज किया गया, उसके बाद दो और नए ऑफर आ गए हैं, हमको लग रहा है कि बोर्ड डेफिनेटली इन दो नए ऑफर्स को कंसिडर करेगी, और जो मोटा मोटी फेयर वैल्यू निकल के आ रही है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, हमको लग रहा है कि फेयर 40 की फेयर वैल्यू करीबन 175-180 का वैल्यू जरूर बन सकता है, और ये नॉट ओनली कंपनी के लिए बट निवेशकों के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी तो जो डेट बैलेंस शीट पे है उसको कम करने में ज्यादा कैश कंपनी को मिलेगी, तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर खरीदा जाए तो बहुत शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मुनाफा का सौदा बन सकता है। ओके, खरीदा जाए, ये है राय इस वक्त आपके लिए। आइए एक और स्टॉक पे चर्चा कर लें या ब्रेक ले लें? एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, चलिए एक और कर लेते हैं, और वो स्टॉक होना चाहिए डिम्पी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। हाँ। है ना, आज ये दो दिनों से नहीं, कल शायद आपने पकड़ा था सबसे पहले मुंह कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन दिख रहा है ना, आपने वर्ल्ड था, बजाज इलेक्ट्रिकल था उसके अंदर, और उसके अंदर एक और शेयर भी था, मैं उसका भी नाम भूल गया, लेकिन वो तीन शेयर थे जो कि अच्छा चल रहा था, आईएफबी इंडस्ट्रीज, यस मेरी याददाश्त बेहतर है, रहते रहे ये बादामों का असर दिख रहा है। तो ये स्टॉक जो चलने लगे, अब आप देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए आज जो खबर है बहुत ही बहुत बहुत खास है। क्यों खास है? 3578 करोड़ का ऑर्डर मिला है, साइज देखिए ऑर्डर की 3578, इनकी साल भर की जितनी रेवेन्यू आती है ना, मतलब आय है, उसका लगभग 80% के आसपास का एक ही ऑर्डर अगले 15 महीनों में ये पूरा करने वाले हैं, ये सारी रिसर्च हमें सुमित ने भेजी थी। तो बेसिकली ऑर्डर की साइज जितनी बड़ी है उस हिसाब से तो इस स्टॉक की अगर री रेटिंग हो जाए तो बड़ी बात नहीं। बताइए किरण जी, चार्ट्स देखकर खरीदा जाए बजाज इलेक्ट्रिकल्स? बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदना चाहिए, यह स्टॉक पैटर्न लॉन्ग टर्म चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। आज कितना भागेगा ये बताइए यार, आज मुझे लगता है कि 660 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, और लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस बहुत नजदीक वाला होगा 615 का। ठीक है, ज्यादा गैप के साथ ना खोले तो ठीक है, 660 रुपए तक का आज का टारगेट रख लीजिए, गैप के हिसाब से देखिएगा थोड़ा सा ना, आपको वॉल्यूम कितना इसके अंदर रखना है कितना नहीं रखना, 660 का आज का टारगेट है। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद अनिल जी क्या खास होने वाला? उस ब्रेक में जाने के पहले एक और चीज है, आप जिस स्पेस की बात करते हैं उसका एक और स्टॉक हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो होगा ब्लू स्टार, वो भी एसी बनाने वाली कंपनी, बिल्कुल व्हाइट गुड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली कंपनी, उसमें भी बड़ी खबर है। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम करेंगे शुरुआत प्री ओपनिंग सेशन की, बताएंगे आपको कि कैसा खुलेगा बाजार, क्योंकि सुस्ती है
एसजेएक्स निफ्टी में हम तोड़ेंगे सुस्ती, रुपए की ओपनिंग करेंगे, प्री ओपनिंग सेशन पूरा बताएंगे, 9:08 पर जब रेट सेटल हो जाएंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे प्री ओपनिंग सेशन की एग्जैक्ट रेट, और 9:15 से तैयार है सारे एक्सपर्ट्स आपको ट्रेडिंग के सारे मौके देने के लिए, ऊपर हो या नीचे, आगे हो या पीछे, कोई मौका छूटेगा नहीं। और सबसे बढ़िया बात यह कि बाजार खुलने के बाद आज कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले, संदीप जैन साहब अपनी बेहतरीन मॉनसून पिक्स लेकर आ रहे हैं, मेहरबून ईरानी साहब जुड़ेंगे, वो भी कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया दिखाएंगे आपको कि अगर अच्छा मॉनसून आ रहा है तो फिर पैसा कहाँ लगाना है। तो कमाई के मौके चाहे आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, जी बिजनेस पर रहेगा।